कामयाब हो गए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, छह प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हम पढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसको सबसे पहले देखिए डिफाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट क्या होता है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट पहले देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, तो देखते हैं हम इसको पहले डिफाइन करेंगे। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों जिस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ भाग नहीं लेता, समझे। यहाँ हो गया मेल और वैसा प्रजनन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स भाग लेता हो उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए ये भी प्रोसेस है, मेल एंड फीमेल गैमेट मिल गया ना तो दोनों तक न्यू बनाएगा, एक फर्टिलाइज करेगा दो, तो इससे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। यही लिखे द सेल फॉर्म फर्टिलाइजेशन करेगा दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट, तो कुछ तो बनेगा, तो फर्टिलाइज करके क्या बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। जायगोट फॉर्म बनता है, तो द सेल फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड जायगोट, इसको जायगोट कहते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग एनिमल। यहाँ देखिए प्लांट में इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट, इनफैक्ट फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। देखिए ये खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में, ये खास करके फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, और उसमें भी फ्लावरिंग प्लांट में भी होगा, जिसमें क्या होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसी में होगा ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें होगा उसमें ही होता है ये फ्लावरिंग प्लांट। चलिए आगे देखते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर में देखते हैं कितना टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप का देखिए, नंबर एक में बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा लिखते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये है बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों प्रकार का रहता है, मेल और फीमेल दोनों, और इसमें सिंगल होता है, या तो मेल पार्ट ही रहेगा या फीमेल पार्ट ही रहेगा, तो दोनों यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर देखिए लिखे हैं मेल प्लस फीमेल लिख दिए, ये देखिए इनमें क्या होगा कि मेल गैमेट्स भी होगा और फीमेल गैमेट्स भी होगा, किसमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे पी प्लांट, पी हो गया मटर का और हिबिस्कस, अरहुल का, अरहुल का पौधा जो है सो मेल और फीमेल दोनों है बाइसेक्सुअल। इसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखिए आइदर मेल और फीमेल, मतलब या तो इसमें मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, जैसे पपीता का, पपाया हो गया, वाटरमेलन, ये सब जो है तो यूनिसेक्सुअल में आ जाता है। अब फ्लावर देखिए, यहाँ पर एक फ्लावर बना है, इसको हम समझा देते हैं आपको कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है। देखिए ये सबसे पहले नीचे का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, ये होता है पेडिसिल, और ये जिस पर से देखिए टोटल फ्लावर का टोटल पार्ट जिस पर रहता है उसको थैलमस बोलते हैं, ये हो गया थैलमस। थैलमस और थैलमस देखिए एक डंटल होता है, और डंटल के ऊपर से देखिएगा एक गोल टाइप से रहता है हरा रंग का, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलमस, और वहां से हरा रंग का एक पत्ती निकला हुआ रहता है, पत्ती टाइप से चारों साइड से निकला हुआ रहता है नीचे से, वो होता है सेपर, इसको बोलते हैं हम लोग सेपल। ये ग्रीन कलर का होता है, ये पत्ती चारों साइड से निकला रहता है ग्रीन कलर का, और उस सेपल के ऊपर से फूल रहता है और मुलायम सा फूल रहेगा चारों साइड से, पंखुरी उसको बोलते हैं, पंखुरियां, पंखुरियां जो रहता है बिखरा हुआ उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेटल।
और देखिए पेटर, और ये पूरे इस टाइप से निकला हुआ है सीधा इस जो बना दिए, ये ही होता है मेन फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, और ये ऊपर से ये जितना भी ये बना हुआ है ये है आपका मेल पार्ट। तो ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, और नीचे ये आपका पेटल्स हो गया फ्लावर का पंखुड़ियां, और ये हो गया सेपल्स, और ये थर्मस है थर्मस, और नीचे वाला जो है इसको पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं इसी, यही उमंग बोलते हैं इसको, उमंग उमंग होता है। यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ स्टामेन, इसको क्या स्टामेन बोलते हैं, स्टामेन ढेर सारे रहते हैं, इस स्टामेन को ढेर सारे ग्रुप है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रेसियम। यही आपका हो गया कौन सी मेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट, मेल पार्ट, और ये हो गया आपका कौन सी फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट हो गया। अब देखिए तो यहां से इसको क्या बोलते हैं, ये है सेपल्स, सेपल, तो ग्रुप ऑफ सेपल कर देंगे, तो ग्रुप ऑफ सेपल कर देते तो उसको बोलते हैं कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। अब ग्रुप ऑफ पेटल, ये पंखुड़ी जो होता है फूल की जो पत्तियां होती है उसको पेटल बोलते हैं, और ढेर सारे पत्तियां होता है तो ढेर सारे पत्तियां होता है तो उसको एक बार में बोल देते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। तो ये जो पंखुड़ियां हैं इसको बोलते हैं पेटल, ये पेटल लोग। अब ये मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं स्टैमेन, और फीमेल, और ये फीमेल पार्ट है गाइनेशियम, मेल पार्ट स्टैमेन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम समझाते हैं आपको, मेल और फीमेल दोनों को, पुमंग और जायान। देखिए एंड्रेसियम, गाइनेशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये चार पार्ट मेनली फ्लावर में होता है। जितना भी फीमेल पार्ट है वह कार्पेल होता है, फीमेल पार्ट जो भी है उसमें वो उसको क्या बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ कार्पेल कर देंगे, ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनेशियम, ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनेशियम, और ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुमंग, यानी कि पुंकेसर, पुंकेसर ये पुलिंग होता है, और गाइनेशियम होता है फीमेल, वह होता है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर चारों पार्ट देख लीजिए, पहला पार्ट है कोरोला, कोरोला को यहाँ पर लिख, पहला पार्ट यहाँ से देखिए कैलिक्स है, कैलिक्स में लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, और ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल इक्वल कोरोला, और एंड्रेसियम क्या होता है, ये भी होता है ग्रुप ऑफ स्टामेन, ढेर सारे रहता है उसमें, तो ढेर सारे को स्टामेन सबको ग्रुपिंग कर देंगे तो एक बार में मिला कर दे दिए, मेल पार्ट है एंड्रेसियम, तो ग्रुप ऑफ स्टामेन ऊपर में लिखते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन इक्वल एंड्रेसियम, और ग्रुप ऑफ इसमें भी देख सकते हैं ग्रुप ऑफ कार्पेल इक्वल गाइनेशियम, ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनेशियम। चलिए अब देखते हैं, देखिए एक पार्ट तो आपका हो गया कैलिक्स जो सेपल से मिलकर बना था, दूसरा हो गया कोरोला जो पेटल से मिलकर बना था, तीसरा हो गया एंड्रेसियम जो स्टामेन से मिलकर बना था, और चौथा हो गया गाइनेशियम जो कार्पेल से मिलकर बना था। अब इसमें दो पार्ट होता है एंड्रेसियम और गाइनेशियम, उसका भी तीन तीन पार्ट होता है। ठीक है, तो उसका नाम हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए ये एंड्रेसियम है, तो एंड्रेसियम के पहले नीचे वाले जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, ये डंटल को फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट ये जो जितना निकला हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। इसके बाद ऊपर में जो है इसको बोलते हैं एंथर, एंथर, और उस एंथर में दो चैम्बर होता है, और उस चैम्बर में क्या रहता है पोलेन ग्रेन। तो तीन पार्ट हो गया आपका कौन सी में एंड्रेसियम में, एंड्रेसियम में क्या क्या हो गया, तो नंबर एक हो गया आपका फिलामेंट, दूसरा हो गया एंथर, और तीसरा हो गया पोलेन ग्रेन। तीन पार्ट है किसमें, एंड्रेसियम में तीन पार्ट है पोलेन ग्रेन। एंथर में पूछेगा कि कितने चैम्बर होते हैं, तो दो चैम्बर। गाइनेशियम, गाइनेशियम में भी तीन पार्ट होते हैं, देखिए
ओवरी, ये नीचे जो है जो थैलमस पर है, थैलमस पर जो रहता है उसको बोलते हैं ओवरी, ओवरी। और ये पूरे स्टार्च से ऊपर तक जो चला गया है ये पूरे को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा। तो तीन पार्ट होता है गाइनेशियम में भी, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी किस टाइप से रहता है स्टाइल। तो ये हो गया आपका ओवरी, हो गया नीचे वाला ओवरी, और ये पूरे का पूरे हो गया इस टाइप से स्टिग्मा, और ऊपर वाला सॉरी पूरे का पूरे हो गया ये स्टाइल, और ये हो गया स्टिग्मा। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और बीच ये पूरे जो हो गया इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे में ये बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं ओवरी। तो तीन पार्ट है आपका फीमेल में भी, यानी गाइनेशियम में भी तीन पार्ट है और एंड्रेशियम में भी तीन पार्ट है, किसमें फ्लावर में। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन जो ऊपर बता दिए हैं, फर्टिलाइजेशन पहले बता दिए हैं क्या कि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, और पोलिनेशन केवल होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो अब पोलिनेशन भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, देखिए ये पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, देखिए एंथर से स्टिग्मा के आने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन जो एंथर से स्टिग्मा तक जाती है इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ से आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है, पोलिनेशन। तो यहाँ से इस टाइप से आ जाता है, इसको आ गया। तो अपने पर अगर आ गया, अपने एक फ्लावर है पोलन ग्रेन उड़ के अगर खुद पर आ जाता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और यही पोलन ग्रेन अगर उड़ के दूसरे सेम स्पेसिस के दूसरे प्लांट पर चला गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए सेम प्लांट रहेगा तो अगर उड़ के खुद पर आ गया तो सेल्फ पोलिनेशन, और यही अगर दूसरे पर चला जा रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। तो पोलिनेशन से पहले देख लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन क्या है, प्रोसेस है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो एंथर से स्टिग्मा तक के जाने की प्रक्रिया को पोलिनेशन करते हैं, ये प्रोसेस है। आप इसमें रहता है क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन अपने पर आ जाएगा और क्रॉस पोलिनेशन दूसरे पर चला जाएगा और सेल्फ पोलिनेशन खुद पर रहेगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। What they doing, keep on doing that.